Hey, what's up guys? तो यार कैसे हो? बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले PUBG मोबाइल के एक तगड़े गेम प्ले मैंने दो बार बोल दिया, जो भी है मतलब एक बढ़िया गेम प्ले के अंदर तीसरी बार गेम प्ले बोल दिया। तो हम लोग उतर रहे हैं भैया यहाँ पे सिवर्नी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सेवर्नी, जो भी है भैया। हम यहाँ पर उतर रहे थे और हमको भैया नीचे दिख गए थे दो बंदे। तो भैया जैसे हमको बंदे दिखते हैं, आप लोग को तो पता ही है कि फिर हमारा काम होता है भाई सिर्फ और सिर्फ लूट करना। और भाई यहाँ पर मैं जा रहा था, भग रहा था, इधर उधर खाली देख रहा था भैया कोई गन वन मिली जाए यार इस गरीब को, क्योंकि यार भाई आपको पता इतना टट्टी गेम है, एक गन नहीं मिलती भाई। खाली एक कट्टा पकड़ा रखा था मेरे को, तो मैं सोचा यार इधर उधर रोड पार करके देख के आऊं। तो मैं रोड पार करते करते जा रहा था, इधर उधर बंडरा रहा था, तो मेरे को यहाँ पे मिलते हैं भैया तीर कमान, कतई भैया श्री राम वाली फीलिंग आ गई थी मेरे को तो यहाँ पे। और भाई फिर और थोड़ा बहुत ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते मैं एक और घर में पहुंचा, और मेरे 5 रुपए वाली ESP से मुझे लगा कि भैया इस घर में होगी गन, और घुसते ही मिल गई हमको गन। तो भैया हमारा ESP जो है ना वो ऐसी नहीं है भाई, काम भी करता है भाई हमारा। 5 रुपए का तो क्या हुआ भाई, डीलर अच्छा था भाई हमारा, ऐसे नहीं है भाई। तो जो भी है भाई, अब गन मिल चुकी थी तो हमको बंदे खिलाने थे, और क्योंकि बंदे हमारे दूसरी तरफ उतरे थे तो भाई हम गए भाई घर के अंदर, और हमको थोड़ी बहुत और ऐसे कती गोली वोली पड़ी हुई मिल गई तो हमने भी वो उठा ली। और हम जाते हैं फिर घर के अंदर, लेते हैं भैया TPP थर्ड पर्सन, वो क्या होता है प्रस्पेक्टिव, हाँ थर्ड पर्सन प्रस्पेक्टिव। तो भैया हम ले रहे थे TPP, और TPP लेते लेते हम देख रहे थे भैया बंदे कहाँ हैं, तो थोड़ा बहुत अपना ऐसे शर्लोक होम्स का दिमाग चला ही रहे थे। इतने में भैया हमारे टीममेट ने मार्क कर दिया कि यार वहाँ पे बंदे हैं। तो भैया देखो अब अगर बंदे की पोजीशन पता चल गई है तो ऐसे नहीं भाई हम बैठे रहेंगे, ना 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 ना, बंदे की पोजीशन पता चल गई इसका मतलब भाई अब जाके उसको पेलना है, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई है पीरो, बहुत बड़ा पीरो है। मतलब भैया हमने पीरो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस PUBG जो भी है मतलब वहां से ली थी भैया कोचिंग। तो हमारा टीममेट कहता है कि भाई रस मार, और मेरे को पोजीशन मतलब पता नहीं थी, कंफर्म नहीं पता था, बट मुझे इतना पता था कि भाई ये इस घर के किसी कवर उवर में छिपे होंगे। तो मैं गया भैया भगते भगते खिड़की विड़की चढ़ा कती स्पाइडरमैन की तरह, इतने मेरे को भाई उसके हील करने की आवाज आ गई। तो बस तो भाई फिर क्या था, एक बार आवाज आई तो भाई तुम बस तो सकते नहीं भाई, हमारी ओपी स्प्रे है तुम लोग को तो पता ही है, जैसे ही साक्षात गोफी भैया हमको सिखाते हैं वैसी। तो भाई इतने में भाई हम गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं कि हमारा एक टीममेट जो है भाई ऑफलाइन हो जाता है, तो भाई उसको हम छोड़ के निकल लेते हैं, क्योंकि भाई हम पीछे रहे हुए लॉन्डो को भाई मतलब देखते ही नहीं, जो हमारे शरण से निकल गया वो गया भाई। तो हम इतने में वो उसका मैसेज आता है, कहता है भाई मेरे साथ में PUBG ने बदतमीजी कर दी। तो हम कहते हैं भैया ओके, इतने में हमको भैया एक गाड़ी दिखती है, और भाई गाड़ी दिखे और हम लोग ना पहले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई दे स्प्रे कतई भाई गाड़ी के अंदर से दबा दब स्प्रे मारने के बाद में उनकी कतई गाड़ी एकदम से फूट जाती है भाई, और फूटते ही तीनों किल तुम्हारे भाई के नाम। और देखो भाई तुम्हारे भाई के नाम तीनों किल आ गए ना, तो भाई हमारे साथ वाले टीममेट की कतई जल के मतलब राख हो गई। तो भाई हम लोग इनको लूट ही रहे थे, मेरी लूट जस्ट कंप्लीट हुई थी, इतने मेरे को दूसरी गाड़ी की आवाज आ गई, एक और स्क्वाड ने हम पे रश मार दिया। तो भाई जैसे ही तुम्हारे भाई पे रस होता है तुमको तो पता है तुम्हारा भाई है फिरो, देश प्रे भाई कतई यहीं पे दो बंदे नॉक कर दिए, और हमारे टीममेट ने भैया हमारे किल जो है यहाँ पे कंफर्म करवा दी, क्योंकि यार मेरा गेम बहुत ज्यादा लैग मार रहा था, पता नहीं भाई क्या टक्की की थी भाई, चेंज करना पड़ेगा। जो भी है यहाँ पे दो और किल बटोरने के बाद हमारे यहीं पे 7 किल हो गए थे, मतलब गेम के शुरू में ही 7 किल भाई। तो भाई गेम इतना तगड़ा लैग कर रहा था कि भाई मैं कतई गेम के आगे मतलब पसर गया, लेट गया कि भाई ठीक कर दो यार प्लीज ठीक कर दो। उसके बाद भैया हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पे मेरे को उनका एक और बंदा दिखता है, मतलब ये जो 3 बंदे आए थे ना इन्हें ये गाड़ी मतलब व्हीकल एक्सप्लोजन से फूट गए थे, लेकिन इनका एक बंदा भाई पीछे मतलब ये बगी लेके आया था, तो मेरे को एंड टाइम पे वो बंदा स्पॉट हो जाता है, तो वो बंदा भी शायद मुझे देख लेता है। तो भाई जो भी है मैं इस पे फिर स्प्रे मारता हूं, पता नहीं बच कैसे जाता है ये भाई स्प्रे से। जो भी है गाइस किस्मत अच्छी थी इसकी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि हमने इस पे जाकर रस मार दिया, और भैया हम जिस पे रस मारे और वो बच जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भैया हमारे साथ साथ हमारे टीममेट भी कतई पीरो है भाई, मतलब वो भी मेरे साथ ही मेरी मतलब हम लोग साथ में बैठते थे भाई एक साथ, समझ रहे हो ना, मतलब जो भी है। तो अब देखते रहो भैया, जाएंगे हम वहाँ पे रस वस मारेंगे कतई। यहाँ पे बहुत ही टट्टी स्प्रे मारने के बाद मैं जाता हूँ भैया भगते हुए उसके पास, लेकिन भैया हमारे टीममेट मतलब पीरो तो है लेकिन हरामी भी बहुत है, किल चुराने में एक नंबर। तो भाई हम लोग फिर गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं, और यहाँ पे फ्लेयर चली हुई दिखती है हमको, तो भैया फ्लेयर पे हम जाए नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यार हमने देखना भूल गए थे कि यार हमारी गाड़ी मतलब यहाँ पे धोखा दे देगी हम लोग को,
तो जो भी है गाइस यहाँ पे देखो हमारे साथ जो स्कैम हुआ है ना, मतलब वो स्कैम मैं चाहता हूँ किसी के साथ ना हो, मतलब हर तरफ बंदे थे, लेफ्ट राइट आगे पीछे चारों तरफ बंदे थे भैया, चारों तरफ से मतलब सारे हमारे मारने पे तुले हुए थे। लेकिन यार तुम्हारा भाई पीरो, तुम्हारा भाई मारता भैया सीधे कान के नीचे पट से, समझ सकते हो ना तुम? ऐसे मत बोलना भाई, नीचे डायनामो कॉपी मत लिख देना तू। अरे जोड़िए भाई को लेना। तो यार यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके सोचते हैं कि निकल जाते हैं, क्योंकि यार देखो चारों तरफ से पड़ रही हो ना, तो भागना भी मतलब कृष्ण जी ने कहा है कि मैदान छोड़ना भी कभी कभी बहुत ही समझदारी वाली बात होती है। लेकिन भैया हमारी गाड़ी के अलग ही नशे भाई, उसका फ्यूल एकदम बीच रस्ते में खत्म हो गया। तो यार अब आप एंजॉय करो मतलब गेम प्ले को, मैं कुछ बोलूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ पे हमारे साथ जो स्कैम हुआ है ना, मतलब एक्सट्रीम लेवल का स्कैम भाई, हर कोने से पड़ रही थी हमको। भाई इधर बंदे हैं तीन तीन, यार पता नहीं ये भाई स्प्रे से कैसे बच गया। और भाई लेफ्ट साइड वाले जो बंदे थे उसने मेरा एक टीममेट डाउन कर दिया। तो यार अब मतलब यार ईगो पे बात आ गई थी, मतलब यार हमारे टीममेट पे हमला हो यार, और हम सहले ऐसे ही हो नहीं सकता भाई। तो यार इन सामने वाले पे प्लेयर व्लेयर थी मस्त यार, हम चाहते तो थे लूट ले, बट यार क्या कर सकते हैं, चारों तरफ बंदे थे इसलिए जा भी नहीं पा रहे थे। तो जो भी है मैंने स्मोक वो किया, कतई यहाँ पे सिगरेट का धुआं धुआं फैला दिया, और मैंने सोचा यार इतने धुएं से कुछ होगा नहीं, इतने धुएं से मुकेश भी नहीं मरता। तो यार हमने और धुआं किया ताकि फिर मतलब समझ सकते हो ना आप, मैं हूँ मुकेश वाला सीन। तो यार हमने धुआं धुआं कर दिया भाई, चारों तरफ बंदे भी कतई उनको कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर भैया हम सोचे कि यार पीछे वाले बंदे को देखते हैं जिसने मेरे टीममेट को मारा। तो यार उसकी पोजीशन मार्क करते करते मैंने उसको मार ही दिया, मतलब यार उसका लेवल 300 था यार, इसीलिए फूटा नहीं, मतलब वरना वो नॉक हो जाता एक ही शॉट में, फिर वो और दोबारा शक्ल दिखाता नहीं। तो यार सामने वाले बंदों को भी एक बार मैंने देख लिया, फिर पीछे मार्क कर ही रहा होता हूँ कि एक और बंदा दिख जाता है, और यार जो बंदा दिखे और वो मेरे मतलब शॉट से बच जाए तो हो नहीं सकता। तो भैया यहाँ पे उसको नॉक तो कर दिया, लेकिन उसका टीममेट उसके साथ था तो उसने उसको रिवाइव कर दिया। लेकिन हमको यहाँ पे एक विंडो मिल गई थी कि भाई हम यहाँ से निकल सकते हैं इस टाइम पे। तो फटाफट हमने भैया हमारी 300 लेवल आईक्यू लगाई और यहाँ से निकल ली। तो मेरे को रस्ते में ड्रॉप दिख गया और मैंने मेरे टीममेट को बताया बिना भाई साहब ड्रॉप ले लिया, और ड्रॉप में निकली AWM तुम्हारे भाई की फेवरेट गन। तो भैया फेवरेट गन हो और हम ना उठा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फटाफट हमने ओम के MO बटोरी और M24 वहीं पे छोड़ दी, और भैया गाड़ी लेके हम लोग निकल लिए। और गाड़ी लेके भाई यहाँ पे देखो बंदे बचे थे 10, और बंदे 10 तो नहीं बचते, बंदे बचते टोटल 7, क्योंकि 3 तो हम ही थे। तो भैया 7 बंदे थे, तो हमको पहले मतलब मैंने उनको कहा कि भैया चलते हैं फटाफट घर वर ऑक्यूपाई कर लेते हैं इससे पहले कि कोई और बंदा किसी घर में आ जाए। तो भैया इनको फटाफट लेके मैं निकल रहा होता हूँ, और उसके बाद हम लोग मैप वैप में मेरा टीममेट बोलता है कि भाई ये वाले घर में ले ले, ये वाला घर अभी के लिए जोन के अंदर है, फ्यूचर का पता नहीं बट अभी तो करंट जोन के अंदर है। तो मैं बोलता हूँ भैया तू ही ड्राइव कर, तूने मार्क लगाया तो तू ही लेके चल। तो भैया वो लेके चल रहा, तो इतने भाई मेरा गेम इतना मतलब इतना भयंकर लैग होता है ना भाई, मेरे को लगता है भाई PC मेरा कतई मर गया भाई। तो यार ये वाला घर जो है ये अभी के लिए जोन के अंदर था, और कोई भी घर जोन के अंदर नहीं था। तो भैया हमने फटाफट से ये घर ऑक्यूपाई कर लिया ताकि कोई और ना आ जाए, और आसपास देख भी लिया कि पहले से तो भैया कोई ऐसे सांप वाप का बच्चा यहाँ पे लेटा हुआ तो नहीं है। तो भैया यहाँ पर अपने एकदम एक अड्डा मतलब ऐसे डेरा डालने के बाद हम लोग इधर उधर बंदे स्पॉट कर रहे होते कि भैया बंदे है कहाँ पे। तो एक एक करके मेरे को सारे बंदे दिखते हैं, भैया सामने बंदा दिखता है तो मैं वहां मार्क कर देता हूँ, और इधर उधर और भी स्पॉट कर रहा होता हूँ कि भाई बंदे टोटल है कहाँ कहाँ, ताकि हम लोग अंदाजा लगा सके कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए, रिस्क करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि भैया तुमको पता है तुम्हारा भाई पीरो तो है ही, साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, कतई 300 लेवल आई की तुम्हारे भाई की, और भैया घमंड नहीं करते हम किस चीज का। नीचे भैया कॉपी मत लिख देना। तो भैया मेरे को यहाँ पे एक और बंदे दिख, एक और मतलब बंदे तो क्या, एक और बंदा दिख जाता है और मैं वहाँ पे मार्क लगा देता हूँ। तो पता चल चुका है गाइज टोटल बंदे बचते 8 अलाइव थे, जिसमें से 3 हम ही लोग थे, तो टोटल 5 बंदे थे। तो सामने 2 बंदे थे और राइट साइड में कितने थे, 3 बंदे और थे। तो सारे बंदों की पोजीशन यहाँ पे पता चल जाती है, तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ना एक बंदे को नॉक कर दिया जाए ताकि हमको एक रूम मिल जाए। तो एक बंदा मेरे को यहाँ पे मस्त ऐसे सांप दिखता है, और भैया जहाँ पे सांप दिखे यार हम उसको ना मारे अस्त हो नहीं सकता, क्योंकि सांप और बुंड जहाँ दिखे मार देनी चाहिए। तो भैया उसको मैंने एक मारा कान के नीचे पट से हेडशॉट, और दूसरा मारा शॉट इतने भैया उसका पाद निकल गया हरा हरा, कतई उसने पाद दिया भाई, क्योंकि 2 राउंड के शॉट पड़ने के बाद में अगर आप उसके पिछवाड़े पे हाथ ना लगाओ तो भैया वो पाद देता है। तो यहाँ पर टोटल 5 बंदे बचे थे और जिसमें 3 हम थे, तो टोटल हुए 2 बंदे। तो भैया दोनों की पोजीशन हमको पता ही थी कि दोनों है तो सामने, क्योंकि एक बंदे ने स्मोक कर रखा है, इतने भैया वो स्मोक करके भग रहा होता है। तो यार मैं उसको एक दो गोली मारता हूँ लेकिन वो बच जाता है, और वहां पे जो लेटा हुआ बंदा उसने भैया खुद ही कवर खोद ली, उसको उसके साथ टीम अप कर लेना चाहिए था ताकि वो हम तीनों को मार सके, लेकिन नहीं उसको चाहिए था भैया किल। तो हम उसको भैया स्पॉट वॉट करते इधर, और तुम्हारा भाई मारता है आखिरी शॉट, तो वो देखना भाई तुम शॉट यहाँ पे। अरे यहाँ
Fuck you. तो भैया यहाँ पर आखिरी शॉट मारने के बाद मैं बहुत राजी हो गया, और आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना नीचे, और बस नेक्स्ट वीडियो मिलना, तब तक के लिए पीस आउट। खाना खा सकता हूँ।